please welcome Mr. Varun Grover. नमस्कार, मैं वरुण ग्रोवर हूँ. मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ, राइटर हूँ, लिरिक्स राइटर हूँ. हम ये टेप कर रहे हैं ये शो. आप पे भी कैमरे हैं, सब साथ में जेल जाएंगे. डिसेंट आपके डे टू डे लाइफ में आता है. आई डोंट वॉन्ट कि मैं कुछ भी बक दूँ. मैं अभी प्रधानमंत्री नहीं हुआ हूँ. जब मैं कुछ कह रहा हूँ तो आप मुझे शट डाउन नहीं करते हैं. ये मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के साथ, जो मेरे दोस्त भी हैं, जो उस तरह के दोस्त जो व्हाट्सएप पे फोटो भेज रहे हैं कि देखो नेहरू कितना अय्याश था. मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि ये फोटोशॉप है. बोलता है कहाँ फोटोशॉप है. मैं बताता हूँ कि वो सामने जो है वो एंजेलिना जोली है. बोलता है कि वो इंटरनेशनल जोली है. इस तरह के इल्जाम उस पर आते हैं. मोदी जी ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तैयारी के साथ गए और उन्होंने कहा इंडिया एंड कैनेडा आर द 2AB इन द फॉर्मूला ऑफ A+B स्क्वायर. ऐसा नहीं कि सुबह मतलब उठ के जो मुंह धोने से पहले बड़बड़ाता है आदमी बाथरूम जाते हुए, नहीं कुछ भी बोल देते हैं कि जैसे कहे बुड़ 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 रंगीन बिल्ली. पूछा जाता है अक्सर, जो इल्ज़ाम लगता है कि भाई तुमको कांग्रेस ने बहुत पैसा दिया होगा. कौन पैसा दे रहा है तुमको, कितना दे रहा है. एंटी करप्शन बोल के जो ये सरकार जो है मोदी जी की, वो एक इलेक्टोरल बॉन्ड लाई है जिसमें कि एनोनिमसली कोई भी किसी भी पार्टी को पैसा दे सकता है. और सबसे बड़ा करप्शन का टूल इस समय वो है हिंदुस्तान में. और जो ये सरकार बड़ी खुशी खुशी ऐसे डंके की चोट पे लाई है कि भाई हमने देखो ये क्या एकदम ऐसा ना रॉकेट उड़ा दिया, ऐसा बोल के ये लोग लाए. और अगर आपको पता हो, आप चेक कर सकते हैं, पहले साल में ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं जिसमें एनोनिमसली यू कैन फंड एनी पॉलिटिकल पार्टी, 220 करोड़ का फंड आया है. 220 करोड़ का, और उसमें से 205 करोड़ जो हैं वो बीजेपी को गए हैं. और आप कह रहे हैं कि भाई बाकी की सारी पार्टियां मिला के 5 करोड़ जिनको अपने खाने को नहीं है वो हमको देंगे सिर्फ इसलिए वो बोलने के लिए जो हम खुद बोलना चाहते हैं. नासा का एक इक्विपमेंट है स्पेस में जो कॉस्मिक साउंड पकड़ता है ना. वो एक कॉस्मिक हम है, एक जो यूनिवर्सल हम है वो पकड़ता है. जो अगर आपके पास व्हाट्सएप होगा तो आपको पता होगा वो ओम है. है ना, आया है ना ओम है. पूरा कॉस्मोस है, पूरी दुनिया में यहां सिर्फ हिंदू है. बाकी दूसरे प्लैनेट में सब हिंदू है. जो मिला नहीं है वो प्लैनेट, उसमें भी सब ओम चिल्ला रहे हैं. और एक और जो बात, जो इल्जाम जो अक्सर लगता है कि आप भाई साहब आप एक ही इंसान पे जोक बनाते हैं या एक ही पार्टी पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके राहुल गांधी पे भी जोक किया है. पॉलिटिशियन ही होता है वन साइडेड. क्रिएटर, आर्टिस्ट, कॉमेडियन, हम तो अगर वन साइडेड हो जाएंगे तो हमको तो काम ही बंद करना पड़ेगा. हम हमेशा एक साइड हैं और वो सिर्फ अपनी साइड हैं या सच की साइड हैं. और सच एक ही रहता है, आप बदलते रहते हैं इसलिए आपको सच अलग अलग दिखता है. एंटी रोमियो स्क्वाड बेसिकली इट्स अ यूफेमिज्म फॉर वो लड़के जिन्होंने कभी जिंदगी में लड़की से बात नहीं की है, अब जाके उनको कूटेंगे जिन्होंने अभी भी लड़की से बात करना शुरू किया. जब मेरा कोई वीडियो आता है जो कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, वो देखते ज़रूर हैं. कई बार वो शेयर भी कर देते हैं ये बोल के कि मुझे भाई ये आदमी नहीं पसंद, इसकी बातें नहीं पसंद, पर ये फनी है, इसमें दो जोक अच्छे थे. गाय का आधार बन रहा है, आपको पता है काओ आधार बन रहा है हिंदुस्तान में. मेरा फिंगरप्रिंट लेने में उसको 40 मिनट लगे थे. आर्ट का पहला मकसद इज नॉट टू क्रिएट एन आर्ग्यूमेंट. योगी जी ने थोड़े दिन पहले एक काम किया, उन्होंने अपने खिलाफ जो 22 साल पहले के केसेस थे हेट स्पीच के, वो उन्होंने खारिज कर अपने ही खिलाफ केसेस थे 22 साल से जो चल रहे थे हेट स्पीच के. उन्होंने कहा ये क्या बेकार हेट स्पीच के पुराने केसेस हैं, नहीं दे दूंगा. जितने भी सरकार के फेलियर्स हैं, अगर मैं उनको पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए ना कि अच्छा तो ऑप्शन क्या है. मतलब हम इसी के साथ जीते रहें. चुनाव आने वाले हैं तो आप इसको ए वर्सेस बी न देखें, आप इसको अपने अपने स्तर पे देखें कि आपके एरिया में कौन अच्छा ऑप्शन है. जो भी हो, अगर मैं आर्टिस्ट की बात करूं या जो डिसेंट करते हैं या जो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, हमको इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से आगे जाना है और हमको इसको डे टू डे डेमोक्रेसी
कुछ ऐसा बनाना है जहाँ पे हर रोज हम अपने हक की बात करें। चुनाव का महीना है, मच गया शोर, फिर आया है टाइम टू चूज हु विल स्क्रू अस मोर।